हेलो हमारे प्रिय दोस्तों, स्पेशली हम मेरू कैंप के बारे में बता देना चाहते हैं कि जो SSC GD में जो वहाँ डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, कहाँ मेरू कैंप में क्या क्या मांगा जा रहा है दोस्तों, जो उसमें फिजिकल की दूर होने वाली है, फिजिकल के लिए क्या क्या मांगा जा रहा है। तो दोस्तों स्पेशली जो हम बता देना चाहते हैं मेरू कैंप के लिए, क्योंकि मेरू कैंप में हम गए हुए थे और वहाँ हमको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल वहाँ पे क्या चल रही थी, दौड़ चल रही थी। इसी कारण साथ में आप लोगों को क्या चाहिए, उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है दोस्तों, तो आपको क्या करता है, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती दोस्तों। तो दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने पर, अगर रहता तो अंदर जाने मिलेगा, और नहीं रहने पर आपको बाहर किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके साथ में हम इसके अंदर के बारे में वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। बस कल जा रहे हैं दोस्तों हम मेरे को देखने के लिए अंदर भी, किसी का कार्ड लेके। ठीक है दोस्तों अगर इस चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको ऑल गवर्नमेंट जॉब और ऑल इन्फॉर्मेशन मिल सके, साथ में आपको SSC GD की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके दोस्तों। दोस्तों तो हम चलते हैं उसकी ओर। देखिए दोस्तों, मेरू कैंप के बारे में हम जब फोटो खींचे हुए थे, तो मेरू कैंप के उस समय क्या हुआ था, देखिए नोटिफिकेशन चिपका दिया गया दोस्तों। साथ में हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए आपको हम ले चलते हैं उस क्या क्या लग रहा है इसमें ज़रूरी दोस्तों। दोस्तों जो बाहर जो चिपकाया हुआ था नोटिफिकेशन, हम उसका तो फोटो खींच लिए थे दोस्तों, लेकिन उसमें क्या हुआ था, साफ साफ नहीं दिख रहा था। इसका कारण क्या किया, हम उसको फ्रेश से लिख दिए दोस्तों। तो आप लोग का लिखा हुआ कि स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, किस क्लास का, 10th क्लास का दोस्तों। स्कूल सर्टिफिकेट रहना अनिवार्य दोस्तों, साथ में क्या मार्कशीट भी आपको ज़रूरी है दोस्तों। क्या मार्कशीट भी लेके जाना है आपको, मार्कशीट भी लेके जाना है, और कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं वो भी आपका रहना जरूरी है दोस्तों। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, साथ में जो आपका एडमिट कार्ड आया होगा दोस्तों, उसको आप लोग निकाल लिए होंगे, और एडमिट कार्ड को भी लेके जाना जरूरी है दोस्तों। साथ में हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि परमानेंट रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, जहाँ आप फिलहाल रह रहे हैं दोस्तों, वहाँ परमानेंट रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको रहना जरूरी है। ठीक है, और वह लेके आपको वहाँ जाना दोस्तों। साथ में हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो ID प्रूफ के बारे में बोला गया कि आप लोग को ID प्रूफ में क्या क्या लाना है, तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या फिर उसके जगह पर पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ये तीनों में से आप किसी भी चीज़ है तो आप ले जा सकते हैं, मतलब कोई भी तीनों में से एक चीज़ आपको ले जाना अनिवार्य है। अगर तीनों आपके पास है तो तीनों आप ले जाए दोस्तों, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ में वोटर ID कार्ड दोस्तों, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो भी ला दे सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं था, ना तो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको ऑल गवर्नमेंट जॉब और पर्सनली SSC GD के लिए सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।